जी सलाम अलैकुम। अभी छोटी सी डिस्कशन है, वो देख लेते हैं कि रिलेशनशिप ऑफ ऑब्जेक्ट टू द बैकग्राउंड, कि जो भी मेन ऑब्जेक्ट है जिसकी बात हो रही है उसकी बैकग्राउंड से क्या ताल्लुक़ है। अब ये बात हमने कई दफ़ा देखी है कि फ्रंट वाले कलर जो हैं वो बैकग्राउंड वाले कलर की वजह से फ़र्क नज़र आते हैं, लेकिन ज़रा थोड़ा सा और इस टॉपिक को गौर से देख लेते हैं। अब मैंने सिर्फ ये किया कि आपको पहले वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ये चीज़ दिखाई ताकि इस कलर इनके सही कलर्स आपको नज़र आ जाएं, ताकि जब मैं इसकी बैकग्राउंड चेंज करूं तो आपको पता चल जाए कि किस तरीके से मतलब ये कलर फ़र्क फ़र्क नज़र आ रहे हैं। ज़रा देखें, वेन एनी टाइप ऑफ कलर कॉम्पोजिशन इज़ मेड, यूजली ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड ऑन अ बैकग्राउंड सर्फेस विच इज़ कॉल्ड इट्स ग्राउंड। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि बैकग्राउंड को हम बैकग्राउंड क्यों कहते हैं और वो क्या उसका रोल क्या है, कि जब भी आप कोई चीज़ आप कलर कॉम्पोजिशन कोई भी बनाएंगे, अब एक लिहाज से ये भी कलर कॉम्पोजिशन कि बैकग्राउंड का कलर है और ऊपर जो बात की जा रही है वो मेन बात है, लेकिन बेसिकली ये दो की कॉम्पोजिशन है। मैं इसको ब्लैक भी कर सकती थी, मैं इसको रेड भी कर सकती थी, मैं पीछे को भी लाल भी कर सकती हूँ, मैं ग्रीन दोबारा भी कर सकती हूँ। द थिंग इज़ कि ये सोच समझ के ये कॉम्पोजिशन यानी कलर कॉम्पोजिशन बनी है। क्यों सोच समझ के बनी है? इसलिए कि जो मेन राइटिंग है वो क्लियर तरीन चीज़ से आपकी आँख को स्ट्रेस डाले बगैर नरमी से आपकी आँख को नज़र आए, ताकि आपकी आँख को तकलीफ़ भी ना हो और इन्फॉर्मेशन भी पूरी मिल जाए। ये मकसद है इस पूरी कॉम्पोजिशन का। तो जब भी आप कोई कलर कॉम्पोजिशन बनाते हैं, चाहे वो एस्थेटिक हो कि प्रिंट हो, जैसे प्रिंट सिर्फ ब्यूटी के लिए बनता है, या राइटिंग हो जो कि लिखने के लिए कोई मीनिंग दूसरे को समझाने के लिए बनी है, लेकिन स्टिल अगर आप उसको विजुअल दुनिया में देखेंगे तो ये सारी की सारी कलर कॉम्पोजिशन है। तो किसी भी टाइप की जब कलर कॉम्पोजिशन बनती है तो यूजली जो भी मेन चीज़ें होती हैं उनको आप एक बैकग्राउंड पर रखते हो, यानी एक ग्राउंड है उसके ऊपर रखोगे और इसको आप कहते हो, या उसको बैकग्राउंड भी कहते हो, बैक यानी पीछे का ग्राउंड, या उसको वैसे ग्राउंड भी कह देते हैं। ऐसे ही समझे कि जैसे जिसको कहते हैं ना ज़मीन, कि ये अब ज़मीन है और उसके ऊपर ये चीज़ रखी हुई है, तो उसको ज़मीन भी कहते हैं या ग्राउंड भी कहते हैं या बैकग्राउंड भी कहते हैं। इन इन द प्रिंट्स डेवलप्ड फॉर फैब्रिक्स, टेपेस्ट्री और वॉल पेपर, द बैकग्राउंड प्लेन कलर इज़ कॉल्ड ग्राउंड ऑफ द प्रिंट ऑफ डिज़ाइन। यही टर्मिनोलॉजी जो है वो इन तीन चीज़ों के ऊपर अप्लाई होती है, कि जब आप वॉलपेपर डिज़ाइन करें या कोई वीव किया हुआ चीज़ डिज़ाइन करें, मसलन कोई सोफ़े का कपड़ा है या कोई कारपेट है, वो टेपेस्ट्री या कोई कपड़ा कपड़े का प्रिंट जब आप डिज़ाइन करे होते हैं, तो जो प्लेन कलर जो पीछे दिया जाता है उसको आप ग्राउंड कहते हो, ज़मीन कहते हो। द बैकग्राउंड ऑफ अ कारपेट और मैनी ग्राफिक डिज़ाइन प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड द फील्ड। कारपेट के लिए एक और भी वर्ड यूज़ होता है, और बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइन की प्रोडक्ट्स जैसे पोस्टर्स और इस तरह की, उसको आप फील्ड भी कहते हो। लेकिन मोर और लेस ये यही चीज़ है कि जैसे जिसको आप ज़मीन कहते हैं ना, कि जो आपने पहले डिसाइड किया कि अच्छा वाइट कलर का एक प्लेन कागज़ होगा जिसके ऊपर डिज़ाइन बनेगा, तो आप उसको ग्राउंड भी कहोगे और इन टर्मिनोलॉजीज में इसको फील्ड भी कह देते हैं, जैसे ये। अब इसमें मेन चीज़ है पत्ते और फील्ड है आपकी ये पीछे। अब फील्ड प्लेन नहीं है, हालांकि देखिए पीछे उन्होंने कहा हुआ है कि जो ग्राउंड ग्राउंड प्लेन जो है, अब इसे आप ये ना समझिए कि प्लेन जैसे अब ये प्लेन है एक ही कलर है कि इसकी बात हो रही है, उसने कहा है ग्राउंड प्लेन जो है ना उसको आप ग्राउंड कहते हो, कि ये प्लेन भी वन कलर में भी हो सकता है, लेकिन ग्राउंड प्लेन का मतलब होता है कि जो ग्राउंड की ज़मीन है, तो जो पीछे की भी ज़मीन है ना, चाहे वो एक कलर में हो, दो में हो, पीछे भी प्रिंट हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको आप ग्राउंड प्लेन कहोगे। इसको दूसरे प्लेन यानी सादा से कंफ्यूज ना करें, ये इसको ग्राउंड प्लेन कहते हैं, कि यानी जो ज़मीन बिछाई गई है। तो ये आप नोट कर लें कि इसको या ग्राउंड करेंगे या बैकग्राउंड करेंगे या फील्ड कहेंगे, मुख्तलिफ मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की शक्ल में, लेकिन बात एक ही है कि पहले एक ज़मीन का डिसीजन हुआ, फिर उसके ऊपर चीज़ें ऐसा ऐसा प्लेस करते रहे। जैसे ये अब इसकी ज़मीन बादामी रंग की, उसके ऊपर चीज़ें रखी हैं। अब प्लेन को जब आप चेंज कर देंगे तो आपके बाकी कलर, बाकी जो कॉम्पोजिशन है ना, या कहेंगे जब फोरग्राउंड की यानी ऊपर जो रखी हुई चीज़ है ना, उनका इम्पैक्ट बदल जाएगा।
Similarly, the background to video recordings, stage presentations और फैशन शूट्स इज कॉल्ड द बैकड्रॉप। ये जब आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो आपके पीछे क्या चल रहा है उस सूरत में, या जो कोई स्टेजेस आप सजाते हैं कि मतलब एक स्टेज प्रेजेंटेशन के लिए आपने किया, उसके पीछे भी एक बड़ी सी दीवार है जिसको आपने देखना है कि उसके अगेंस्ट यानी उसके सामने सारी स्टेज की परफॉर्मेंस, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो माइम हो, चाहे वो जादू हो, वो स्टेज की परफॉर्मेंस जिस पीछे वाले प्लेन जगह के अगेंस्ट हो रही है उस केस में भी उसको भी। और जब आप फैशन शूट्स करते हैं कि जब आपने कोई मॉडल को कपड़े पहनाए हैं या कोई जूते पहनाए हैं या चलते हुए हैं या चल मूवमेंट में वीडियो में मॉडल है या स्टिल में मॉडल है और फैशन शूट्स चल रहे हैं, तो उसकी जो बैकग्राउंड होती है उसको आप ख़ास वर्ड होता है उसको कहते हैं बैकड्रॉप। बैकड्रॉप होता है जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स, स्टेज की चीज़ें और फैशन शूट्स के पीछे होता है। मसलन अब ये बैकड्रॉप है, ये ग्रीन जो है ये बैकड्रॉप है जो इसके पीछे चल रहा है। सिमिलरली पेपर यूज इन प्रिंटिंग इज कॉल्ड स्टॉक। आप सफ़ेद पेपर पे भी प्रिंट कर सकते हैं, गुलाबी पे भी कर सकते हैं, नीले पे भी कर सकते हैं। तो वो जो उस रंग का कागज़ यानी जो जिसकी ग्राउंड बिछ जाती है ना कि अब ये पीले के ऊपर ही राइटिंग होनी, तो आप उसको पीले पेपर को या लाल पेपर को या नीले पेपर को आप स्टॉक कहते हो। यानी अब जैसे है इसको आप जब बाज़ार से टेक्निकली जब आप पूछते हैं तो या उसको कहेंगे कार्ड स्टॉक कि ये कार्ड के पेपर हैं, या पेपर स्टॉक होगा, या जनरली ही स्टॉक कहेंगे कि इसका मतलब है कि बिल्कुल एग्जैक्टली इसी रंग के 100 कागज़ या 200 कागज़ या 50 कागज़ या 20 कागज़। मकसद ये है कि ये अब उसकी ऑरेंज या ये बादामी या ये रेड या ये ब्लू लाइट ब्लू, ये जो भी राइटिंग या प्रिंटिंग की जाएगी या लिखा जाएगा उसकी बैकग्राउंड बन जाएगी, तो उसको आप कहेंगे स्टॉक। कलर्स प्लेस्ड एज डिज़ाइंस और ड्रॉन ऑब्जेक्ट्स ऑन अ ग्राउंड आर कॉल्ड फोरग्राउंड कलर्स और कैरीड कलर्स। अब पीछे आपने बैकग्राउंड बना दिया, फील्ड बना दिया, स्टॉक ले लिया, जो कुछ भी है, और जो ऊपर आप चीज़ कर रहे हैं, चाहे वो लिखा जा रहा हो, चाहे वो कोई ड्राइंग पेंटिंग हो रही हो, चाहे कुछ भी हो रही हो, तो जो फ्रंट के कलर्स हैं यानी जो ऊपर जो चीज़ जो सेंटर फोकस है उसके कलर्स को आप कहते हो फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड होता है आगे के, बैकग्राउंड होता है पीछे का। फोरग्राउंड कलर्स कहेंगे इस स्क्रीन को आप फोरग्राउंड कलर कहेंगे, या आप कैरीड कलर्स भी कह सकते हो। कैरीड कलर को आप ऐसे समझ लें कि जैसे ट्रे में आपने बर्तन सजाए हुए हैं और आप ट्रे उठा के ले जा रहे हैं, अब ट्रे पीछे नज़र आ रही है, यानी अगर लाल रंग की ट्रे है तो वो लाल रंग पीछे नज़र आ रहा है, उसके ऊपर जो बर्तन सजाए हुए हैं, कोई फ्रूट रखे हुए हैं, कोई बिस्किट रखे हुए हैं, वो समझे कि उनके कलर्स को आप कहेंगे कैरीड कलर्स। तो आप इसको इस तरीके से समझ लें कि बैकग्राउंड का कलर एक ही रहेगा लेकिन ऊपर की चीज़ें आप बदलते रहेंगे, तो आप इसको कहेंगे अच्छा ये लाल रंग की जो बैकग्राउंड है उसने कैरी किया हुआ है येलो। ये थोड़ी सी टेक्निकल है लेकिन ये आपको आगे समझ आ जाएगा। अब जैसे ये बादामी है जिसने कैरी किया हुआ है, कैरीड कलर इसका ब्लू है। अब कैरीड कलर का मतलब ये कि एक लिहाज से इस वाले कलर की जिम्मेदारी बन जाती है कि इस कलर को एक ख़ास टोन में दिखाए। डिसीजन मेकर जो है ना वो समझें कि पीछे वाला कलर ज़्यादा है क्योंकि उसका एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो डिसाइड करता है कि अगले वाले कलर ने कैसे नज़र आने। अगर ये जैसे लाइट बफ्स हैं, लाइट ऑफ वाइट्स हैं, तो इसकी वजह से ये रंग भी थोड़ा ज़रा ठंडा ठंडा मध्यम सा नज़र आ रहा है। अगर इसको बिल्कुल ब्राइट वाइट कर देंगे तो ये रंग भी उसके कॉन्ट्रास्ट में थोड़ा सा निस्बतन ज़्यादा तेज़ नज़र आएगा। अगर आप बैकग्राउंड का कलर जो है वो पर्पल कर देंगे तो ये नीला बिल्कुल ही फ़र्क नज़र आएगा, हो सकता है इतना नीला भी नज़र ना आए। इसका मतलब है कि जिम्मेदारी जो है वो पीछे वाले रंग की होती है कि आगे वाला रंग जो है वो कैसे दिख रहा है, इसीलिए आप कहते हैं कि इसने उसको कैरी किया हुआ है। मतलब ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, हो सकता है टेक्निकली ये गलत हो, लेकिन मेरी समझ में यही चीज़ आती है कि कैरीड कलर जो है ना उसके ऊपर जिम्मेदारी, जैसे बाप कैरी करता है बेटे को, बाप के ऊपर जिम्मेदारी है कि उसने बेटे को किस तरह कैरी करना है, ठीक है। इसी तरह ये जो बैकग्राउंड जो बड़ा वाला कलर है वो समझें कि बेस है, और जो ऊपर वाला कलर है वो ऑब्जेक्ट है जो बेस के ऊपर रखी गई है। ग्राउंड एस्टैब्लिशेस द विजुअल रेफरेंस पॉइंट फॉर कैरीड कलर्स। इट इज़ अ क्रिटिकल एलिमेंट इन कलर। एक और फंक्शन होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, अभी आपको समझ आ गया होगा कि जो ग्राउंड होता है ना वो
डिसाइड करता है, इस्टेब्लिश करता है एक विजुअल रेफरेंस। मतलब मुझे कैसे पता चलेगा, चलो पीछे वाले भी जाते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कितना नीला है, कि मैं इसको नीले के किस जगह से शुरू करूं, ये डिसाइड करेगा पीछे वाला कलर। अगर पीछे वाला कलर, जैसे आप इधर आ जाते हैं कि अब ये पीछे वाला कलर वाइट है, उसका मतलब है कि उसने अगले वाले किसी कलर को इफ़ेक्ट करने का इरादा नहीं किया। इसलिए आप देखें कि गैलरीज़ में, म्यूज़ियम्स में, और इवन वाइट जो हम पेपर स्टॉक का हम यूज़ करते हैं, वाइट बैकग्राउंड क्यों यूज़ होती है, क्योंकि उसके अगेंस्ट कलर जो होते हैं वो सबसे अपनी दुरुस्त तरीन कंडीशन में नज़र आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्राउंड होता है ना, वो इस्टेब्लिश कर देता है विजुअल रेफरेंस या स्टार्टिंग पॉइंट कलर का। मतलब अगर ऊपर वाले कलर को हमने किसी तरीके से मेजर करना हो कि ये किस लेवल का ग्रीन है, तो पीछे वाला जो है ना, वो उस मेजरमेंट के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट करता है, और वो उसका समझिए कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना ग्रीन का, वो डिसाइड करता है। इसलिए आम तौर पे जो डिज़ाइन की दुनिया में, प्रेजेंटेशन की दुनिया में भी, पीछे आप कोशिश करते हैं कि रंग ना हो, गायब से गायब हो जाए, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि आगे वाले कलर की स्टेबिलिटी ख़राब हो। आप चाहेंगे कि जब जो मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, जो भी मैं चीज़ कर रहा हूँ, वो किसी और असर के बगैर देखी जाए। इसीलिए आप पीछे के कलर को अक्सर वाइट यानी न्यूट्रल बिल्कुल गायब कर देते हैं, क्योंकि जो पीछे वाला कलर है वो विजुअल रेफरेंस कायम कर देता है। आपकी कोशिश ये होती है कि जो मीटर है, जो विजुअल रेफरेंस है ग्रीन का, वो बिल्कुल दुरुस्त जगह पे हो, बाहर से भी कोई असर ना आ रहा हो। तो कैरिड कलर्स के समझे कि विजुअल रेफरेंस में पीछे का कलर करेगा, और ये बड़ी इसीलिए ये बड़ा क्रिटिकल एलिमेंट होता है, बड़ा ही ज़रूरी चीज़ होती है। अब मैंने अगर किसी को कोई प्रिंटिंग दिखानी है, तो ये नहीं होगा कि मैं किसी बादामी से पेपर के ऊपर प्रिंट करके दिखा दूँ, वो बंदा मानेगा ही नहीं, वो कहेगा नहीं प्लीज़ मुझे आप वाइट पे दिखाएं। वो क्यों कह रहा है, इसलिए कि उसको ये बात पता है कि जो बैकग्राउंड का कलर है बादामी, उसके अगेंस्ट जो ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट मुझे नज़र आ रहा है, जो बारीक बारीक मैं पढ़ सकता हूँ, हो सकता है कि वो वाइट के अगेंस्ट कुछ और फ़र्क हो। तो प्रिंटिंग की इंडस्ट्री में और प्रेजेंटेशन जो बहुत हम लोग बनाते हैं रंग से रिलेटेड, उसमें बहुत लोगों को इस चीज़ का पता है कि पीछे वाला कलर जो है उसके ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी होती है। इसलिए वो असली शक्ल में चीज़ को देखने के लिए वो कोशिश करते हैं कि या तो वाइट के ऊपर करें, या वो उसी कलर के ऊपर प्रेजेंटेशन दें जिसमें उसमें फ़ाइनल बनना है। अगर काले के ऊपर लाल फूल बनने हैं, तो वो कहेगा कि मुझे प्रेजेंटेशन में जो दिखा रहे हो वो काले के ऊपर ही करके दिखाएं, ताकि मुझे समझ आए कि ये रंग जो है ना वो उसकी पोजीशन क्या है। अब जैसे ये देखें, अब ये रंग अगर थोड़े थोड़े ठंडे या मध्यम नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि इसकी बैकग्राउंड ने रोशनी को अल्टर किया हुआ है, और बैकग्राउंड की वजह से, बैकग्राउंड के असर की वजह से ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी ज़रा बुझी बुझी मध्यम मध्यम नज़र आ रही है। अगर मैं बैकग्राउंड का कलर जो है बिल्कुल ब्राइट वाइट ये वाला कर दूँ, तो ये कॉन्ट्रास्ट की वजह से और उछल उछल के और तेज़ हो जाएंगे ये रंग। तो ओवरऑल प्रिंट में जो इस वक्त स्लाइट नरमी है, वो अगर मैं वाइट बैकग्राउंड कर दूँगी तो वो नरमी नहीं रहेगी, वो ज़्यादा ज़्यादा नुमायाँ होंगे कलर्स। तो इसलिए वो कहते हैं कि पीछे की जो बैकग्राउंड का कलर है, जो ग्राउंड का है, वो ये इस्टेब्लिश करता है कि जी पूरा प्रिंट जो है ना वो कैसे देखा जाएगा, कि पीछे वाला जो है ना उसका रेफरेंस पॉइंट जो है ना वो इस्टेब्लिश कर देता है। अब इस केस में भी देख लें कि अब यहाँ एक और चीज़ है कि सारा ही पर्पल है, ये दीवार छत है, ये सारा ही पर्पल है। जहाँ जहाँ रोशनी पड़ी है वहाँ से हल्का पर्पल नज़र आ रहा है, जहाँ जहाँ अंधेरा है वहाँ डार्क पर्पल नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें अब हम मुझे कम से कम ये समझ नहीं आ रही कि इसमें बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कौन सी है, क्या ये बैकग्राउंड है और ये फोरग्राउंड है, क्या ये बैकग्राउंड है और ये फोरग्राउंड है, मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि सारा का सारा पर्पल ही है। कई दफ़ा ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं, द ग्राउंड इज़ नॉट नेसेसरीली द लार्जेस्ट एरिया इन द कॉम्पोजिशन, समटाइम्स द रेशियो ऑफ ग्राउंड एंड बैकग्राउंड इज़ इक्वल। अब इस वक्त आपको पूरे सफ़े में तकरीबन 90% वाइट नज़र आ रहा है, यानी बैकग्राउंड 90% है और जो फोरग्राउंड है वो 10% है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कई दफ़ा आगे की चीज़ इतनी ज़्यादा फ्रेम को कवर कर लेती है कि पीछे का नज़र तो आता है कि वो बैकग्राउंड है, लेकिन उसका एरिया बहुत कम हो जाता है। बस नहीं देखें, अब इसमें बैकग्राउंड काली है, लेकिन उसका एरिया अगर आप हिसाब लगाएं पूरी तस्वीर के मुताबिक, तो 10-15% ही है। लेकिन फिर भी हमें ये समझ आ रहा है कि बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड कलर है ब्लैक। अब ये देखें, ये भी उसी तरह पर्पल चीज़ की तरह ये भी कंफ्यूजिंग है।
अब मैं कैसे पता करूँगी कि इन चीज़ों में से बैकग्राउंड कौन सी है, फोरग्राउंड कौन सी है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आउट है, कसम जी के आउट ऑफ द रेगुलर है। लेकिन इस केस में बात कैसे होगी ये हम कभी आगे की किसी लेक्चर में देखेंगे। ऐसी शक्ल में हमें एक इंडिपेंडेंट अपना ही डिसीजन लेना पड़ता है। हम खुद ही देखते हैं कि किस कलर को हम बैकग्राउंड कंसिडर करें, किसको फोरग्राउंड कंसिडर करें। और फिर इस ऐसे मौके पे हम अपने आप को पूछते भी हैं कि अच्छा, क्या बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को दो अलग तौर से हमें देखना ज़रूरी है, या इसको एक कंप्लीट, एक बड़ी चीज़ के तौर पे भी देखा जा सकता है? तो ये वो ट्रबल्स, ये मुसीबतें हैं जो कि आती हैं हमें। थैंक यू।